अच्छा हुआ लक्ष्य और रागिनी चले गए। मैं कब से उन्हें हिंट दे रहा था लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे। संस्कार, तुम्हारी हिंट का कुछ नहीं होने वाला क्योंकि 5 मिनट में मैं भी जा रही हूँ। तो क्या हुआ? लेकिन 5 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। संस्कार, कोई आ गया तो? तो मैं तो सिर्फ तुम्हें दवाई लगा रहा हूं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। मैं बस आ ही रही थी। वाह। संस्कार। हाँ माँ, मैं आया। संस्कार, तुम जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? ओके। ठीक हाँ। मैं तो घर पे नहीं थी। दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा। कोई पेन किलर ली कि नहीं? अच्छा सुनो, वो तुम इस स्टोर रूम पे शॉप कर रखा, उस पे अच्छे से पट्टी कर लेना, ओके? हाँ। अच्छा सुनो, मैं संस्कार को जरा बाय करके आती हूँ। हाँ धन। शॉक तो मुझे स्टोर रूम में लगा था और उस वक्त मैं अकेली थी। और मेरे सिवा सिर्फ एक इंसान को शॉक के बारे में पता होगा जिसने मुझ पर सुनो, वो तुम इस स्टोर रूम पे शॉप कर रहा था, उस पे अच्छे से पट्टी कर लेना। हम्म, मैंने अपने शौक के बारे में किसी को बताया था क्या? नहीं, मैंने शौक के बारे में किसी को नहीं बताया था। इनफैक्ट रागिनी ने मुझे कहा था कि कविता ने खुद मुझे ढूंढा था संस्कार के कबर्ड में से। को मेरे शौक के बारे में पता था, मतलब वही थी। इन बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? मैं स्वरा से शौक के बारे में कैसे पूछ सकती हूँ? पर उसे काफी चोट लगी है, शायद उसे कुछ याद ही ना हो। नहीं, स्वरा बहुत चलाक है, ध्यान तो उसने दिया ही होगा। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। मुझे संस्कार को बताना होगा। नहीं, अभी नहीं बताऊंगी संस्कार को। अभी बताऊंगी तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। कल जब संगीत के लिए जाऊंगी तब उसे बताऊंगी। इनफैक्ट घर के किसी बड़े को भी बताना होगा और बहुत सावधानी से सब कुछ हैंडल करना होगा, वरना हम इस कविता को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्या? हाँ सचकार, बड़ी माँ, कल कविता ने मुझे मारा था।
स्वरा, इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने हमें कुछ बताया नहीं? और संस्कार, तुम्हें पहले से ही शक था कि कविता तुम दोनों को अलग करना चाहती है? बड़ी माँ, और कल रात संस्कार का शक कंफर्म हो गया। कविता ने ही मुझे मारकर इस कमरे में छुपाया। लेकिन कविता ने तो कहा था कि वो रॉड। माँ, ऑब्वियसली वो उसका एक प्लान था। तभी तो इतनी आसानी से उसने स्वरा को ढूंढ लिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसने स्वरा को कहाँ छुपाया। You know what, अभी संस्कार नहीं। नहीं बेटा, नीचे मेहमान आने वाले हैं, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा बेटा। तो मैं क्या करूं माँ, ऐसे ही चुपचाप बैठा रहूं? उसने स्वरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। You know what? मैं अभी के अभी पुलिस को बुला रहा हूं यहां पे। संस्कार प्लीज, कविता को गलत साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उसने बहुत प्लानिंग के साथ सारी चालें चली, हमें भी बहुत संभालना होगा, वरना कभी उसकी सच्चाई सफेद। यार राइट, तो मैं घर पे ऐसे ही बैठा रहूं? मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हमारे घर में ही रहेगी, राइट? नहीं संस्कार, तुमने अब हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। अब हम उस पर नजर रखेंगे, हम स्वरा को कुछ नहीं होने देंगे, और जैसे ही संगीत की सेरेमनी खत्म हो जाएगी हम उसे वापस भेज देंगे, और अगर वो नहीं गई तो उसके खिलाफ कदम भी उठाएंगे। इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियां वापस लौट रही हैं, मैं उन खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। स्वरा, नीचे मेहमान आ गए हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे संगीत शुरू करना है। जी बेटी माँ। तुम चिंता मत करो संस्कार, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुंह मत फेरो ऐसे। आई एम सॉरी, मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। ये सब कुछ कविता कर रही थी। मौसी भी इन सब में उसके साथ थी। सो हम दोनों ही सही थे। शट अप। तो फिर मैं सॉरी क्यों कह रही हूँ? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है स्वरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी, और आज के बाद कोई भी प्लान बनाओगी तो सबसे पहले उसके बारे में मुझे बताओगी। मेरी जान हो तुम। अगर तुम्हें कुछ भी होता है ना तो मैं पागल हो जाता। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। पक्का, मुझे कुछ नहीं होगा, और मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। स्वरा, माँ कह रही कि जल्दी तैयार हो जाओ संगीत को। वो हम खटखटाना भूल गए दरवाजा, सॉरी। कोई बात नहीं, बाद में मिलती हूँ तुमसे। भैया इतना टाइम लगा दिया, अब तक तो हो जाना चाहिए था। चाहिए, जल्दी चाहिए, मेहमान आने वाले। हाय कविता। हाय स्वरा, तुम कैसी हो? एक्चुअली मैं काम में इतनी बिजी थी कि मैंने तुम्हें आते ही नहीं देखा। तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। हम लोग संगीत के लिए रेडी हो जाते हैं, तुम्हें नीचे ही मिलते हैं, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें नीचे मिलती हूँ, जल्दी आ। तो अच्छी लड़की है कविता ने। थैंक गॉड, स्वरा ने मेरी कल की बातों पे ध्यान नहीं दिया।
अगर ध्यान दिया होता तो इतने अच्छे से तो बात नहीं करती। कविता, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी चीज का शक हो, बस इसीलिए इतना नॉर्मल बिहेव कर रही हो। स्वरा, एक पिन से कुछ नहीं होने वाला, दो तीन पिन्स तुम्हें लगानी पड़ेंगी क्योंकि हमारा दुपट्टा बहुत हैवी है। क्या? मुझे बता ही नहीं था। तुम चिंता मत करो, एक नहीं पूरे 10 पिन लगाऊंगी मैं। पूरे 11 पिन लगाए, समझी? अरे वाह, तो सच में बहुत खूबसूरत है। और हमारी रागिनी पर और भी खूबसूरत लगेगा। जानती हो, ये नक्श ने हमारे लिए पसंद किया है। हाथ दो अपने, ये वाला। देखो, कोई भी तुम्हें पूछे कि तुम्हें किसने तैयार किया तो मेरा नाम देना, समझी? ओके मैडम। नहीं, एक चीज बाकी है। क्या? हमारा पल्ला। नहीं रागिनी, रहने दो ना, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। और सरा, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। तुमसे जिद करना बेकार है। चलो अब तुम्हारी बारी। क्या? पर मैं तैयार हूँ। क्या तैयार? ना मांग टीका पहना है, ना इयररिंग्स पहने, कुछ नहीं किया। चलो बैठो बैठो। हमने कहा ना, हम तुम्हें तैयार करेंगे। लग गई क्या? I'm sorry. स्वरा, सुरों से सजाती रिश्ते ये सुरों से बनाती, बजती है तब प्यार की धुन। अब मांग टीका वचन चले है एक चांदनी, फिर भी है एक दूजे। ओहो, और तुमने मुझे तैयार कर ही दिया। क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक हो? रागिनी, स्वरा, आपने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, इतना बुरा कि हम तुमसे माफी तक नहीं मांग सकते। रागिनी, वो सारी पुरानी बातें हैं, भूल जाओ इन सबको, ओके? स्वरा, अब तुम्हें क्या हो गया? क्यों, रोने का कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे पास है क्या? So happy रागी, रो, मैं हमेशा से ये चाहती थी। अच्छा, तो इतना इंतजार क्यों किया? पहले ही रो देती। रोने की बात नहीं कर रही हूं। तो Oh
चाहती थी मैं। पहलों वाली बातें करना, एक साथ शादी की बातें करना, एक साथ सजना, एक साथ तैयार होना, एक ही संगीत में बैठना और एक ही मंडप में शादी करना। अग्नि, ये सारी चीजें हमेशा से चाही है मैंने। और पता है, अब जब ये सारी चीजें हो रही है ना, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे हमारा सपना पूरा हो गया। सब कुछ ठीक हो गया सर। कविता भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, घर में सबके सही राखी। सब कुछ ठीक नहीं हुआ है तक। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। तो वो शॉक लगा था ना, उस पे अच्छे से पट्टी कर ली। यही सच है राखी। कविता पर नजर रखने में मेरी मदद करोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? एक मिनट, पहले अपना मूड ठीक कर लो। कविता को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए हम पर, समझी? शुनक, आई मां। सब ठीक चल रहा है? आपको कोई मदद की जरूरत तो नहीं है? ना ना, सब कुछ हो गया, थारी कोई मदद की जरूरत ना है। तू जा जाके मजा कर, जा। अरे अरे, रुकिए रुकिए भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मैं अपनी दोनों सुंदर भाभियों की फोटो तो ले लूं, फिर नीचे आइएगा। कम ऑन, अब आएंगे। भाभी, भाई को बोली ना जल्दी से आने के लिए। वो उनका सूट प्रेस करने के लिए दिया है ना, शायद इसलिए अब तक तैयार नहीं हुआ। रागिनी, मैंने लक्ष्य का सूट प्रेस करवा दिया, तुम्हारे कमरे में रखा है, उसे बोलो जल्दी से रेडी होके आ जाए। थैंक्स। लक्ष्य, जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्य, उसका फोन। तोरा बेटा, यहाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। जी बड़े पापा। ये हमारे बीकानेर वाले फूफा जी हैं। नमस्ते जी। ये तेरा बेटी।
चली गई? अभी तो यहीं पर थी। हेलो हेलो स्वरा, स्वरा मोरवशी बोल रही हूँ। मासी आप मुझे फोन क्यों किया हा? अब कौन सा नया ड्रामा करने वाली हो आप? नहीं स्वरा, हमें तुम्हें कुछ बताना है। स्वरा कविता भी हमारे साथ? जानती हो मासी की कविता आपके साथ मिली हुई है, बहुत अच्छे से जानती। चलो अच्छा है तुम्हें ये बात पता चल गई। स्वरा कविता आज रात को कुछ बहुत ही भयानक करने वाली है जिसे तुम ही रोक सकती हो। होटल की कमरा नंबर 203 में ठहरे, तो बस जल्दी से आ जाओ, हम तुम्हें सब बता देंगे। मासी आपकी गलत फहमी है कि मैं आपसे आके मिलूंगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये भी आपकी कोई चाल है। और रही बात कविता की, तो उसका नाटक भी बहुत देर तक नहीं चलने वाला। नहीं स्वरा, हम कोई चाल नहीं चल रहे हैं। तुम बस हमें सिर्फ एक बार मिलने के लिए आ जाओ, हम तुम्हें सब बता देंगे। कविता कहाँ जा रही है? मुझे उसके पीछे जाना होगा। संस्कार को बता देती हूँ। संस्कार कहाँ है? और मुझे प्रॉमिस कर कि तुम अपना ख्याल रखोगी और आज के बाद कोई भी प्लान बनाओगी तो सबसे पहले उसके बारे में मुझे बताओगे। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब क्या करूं मैं? फिर से मासी का फोन। हेलो स्वरा, प्लीज हमारा भरोसा करो, हमारा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। तुम बस एक बार हमसे मिलने के लिए आज हम तुम्हें सब बताते हैं, तुम प्लीज एक बार आ जाओ। मासी आपको जो भी बताना है फोन पे बता दीजिए ना। मासी आपकी चिल्ला क्यों रही थी वो? स्वरा तुमने लक्ष्य क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही?